वेमेन एम्पावरमेंट था मानव सेवा के लिए किए जा रहे अनुकरणीय प्रयास के लिए मैं जनरल घई और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं तथा इस अभियान से जुड़े आर्मी के सभी अधिकारियों और जवानों के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बात हमें समझनी चाहिए, किसी ने मुझसे पूछा कि बदला क्या है पिछले 3 वर्षों में, तो बड़ी संक्षेप में मैंने 2-3 बातें कही। पहली बात मैंने कहा कि भाई एक बात तो ये बदली है कि अब यहाँ के लोग अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र हैं, अब किसी के डिक्टेट के आधार पर कोई जीने के लिए मजबूर नहीं है। 150 दिन स्कूल कॉलेज बिजनेस सब कुछ बंद, किनके इशारे पर, जो आपका भविष्य खराब कर रहे थे, जो हमारे पड़ोसी हैं या उनके सह पर यहाँ की शांति भंग कर रहे थे, उनके इशारे पर स्कूल कॉलेज बंद हो, उससे भी जम्मू कश्मीर को अब मुक्ति मिल गई है। सूर्यास्त हो इसके पहले घर जाना है, इस जल्दी से श्रीनगर और शहरी नहीं ग्रामीण इलाके भी अब मुक्त हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये सामान्य उपलब्धि नहीं है, बाकी की मैं चर्चा नहीं करना। समाज को बंधन मुक्त करने के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में कविता लिखी थी जिसका अर्थ था कि समाज के सभी पुरुषार्थी ज्ञानी शक्ति से संपन्न लोग आओ और मिलकर हम इसे बंधन मुक्त करें। गुरुदेव के ये शब्द हम सबका पथ प्रदर्शन करेंगे। सामूहिक शक्ति से हमें आज ऐसे वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें हमारी बहनों को, बच्चियों को, आधी आबादी को उसको उसका पूरा हक मिले, वो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हों, उनमें आत्मविश्वास भी हो और आत्मसम्मान की भावना भी बने, इसका प्रयत्न निरंतर हमें करना होगा। मैं फिर से आप ह्यूमन अचीवर्स को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब कई को लगता है कि केवल इतने ही लोगों को क्यों मिला, हमने भी बड़ा अच्छा काम किया, पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है, वो एक प्रतीक है और इस प्रतीक से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है कि साहब हमारे लिए भी गुंजाइश है। तो मैं समझता हूँ कि और भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, अब यहाँ नहीं आए तो ये ना समझें कि उनको रिकग्निशन नहीं मिला है, उनके काम को भी रिकग्निशन मिला है। मानवता की जननी, सृष्टि की रचयिता, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माताएँ, मैं उनको नमन करता हूँ।